बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बज्जू चैनल। आज हम बना रहे हैं फ्राइज़, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे और बच्चों के लंच के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये फ्राइज़ डालूँगी एहतियात के साथ, आप लोगों की छींट नहीं आए। पानी को पहले से गर्म कर लेंगे तो इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ पाँच मिनट से भी कम। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए मैं इसको बॉईल करूँगी। पानी में भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसके बाद ओरिगैनो, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, काली छोटी पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च ये भी 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने काली मिर्च भी ऐड की है तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए। 1/2 टेबल स्पून आप ले लें चाट मसाला। ये देखिए आलू मैंने निकाल लिए हैं हल्के से इसको बॉईल करके, और मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार है बैटर जिसका हम बनाएंगे। और इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था तो मैंने नमक भी इसमें डाला है अपने टेस्ट के लिए हाथ से। चलिए इसका बैटर तैयार करते हैं। चलिए जी अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए इतना गाढ़ा बिल्कुल ठीक है। चलिए जी बैटर भी हमारा तैयार हो गया है, अब हम चल के इनको फ्राई करते हैं। चलिए जी अब हम आ चुके हैं, कढ़ाई भी हमने रख दी थी, ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कोटिंग करेंगे। ठीक है देखिए फ्राइज़ हमारे तैयार हो रहे हैं, कोटिंग भी इनके ऊपर से नहीं हटी है। इसको हम थोड़ा तेज़ आंच पे ही करेंगे क्योंकि हमने इनको हल्का सा पका लिया था शुरू में। ये देखिए फ्राइज़ हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी रेसिपी, बच्चों के लंच के लिए भी बहुत बेहतरीन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।